मंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा दौरे से लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार उड़ीसा में परिवर्तन होने जा रहा है। उड़ीसा की अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वहीं अन्य राज्यों में साय सरकार की तारीफ के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनने से क्या लाभ हो रहा है, इस बात की जानकारी हम दूसरे राज्यों की चुनावी सभाओं में दे रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार द्वारा पूरी की गई मोदी की गारंटी के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। सीएम ने कहा कि ओडिशा में इस बार लोकसभा और विधानसभा हो रहे हैं, हमें लगता है कि वहां भी इस बार डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। आज तीसरी बार उड़ीसा का दौरा था और आज कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र में थे। कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा नुआ पड़ा, वहां एक चुनावी सभा थी और दूसरा जूनागढ़। तो दोनों जगह हमारे सांसद प्रत्याशी श्रीमती मालविका देवी जी हैं, वो दोनों जगह उपस्थित थी और दोनों विधानसभा के हमारे प्रत्याशी उपस्थित थे और दोनों सभा बहुत सफल रही। इतनी गर्मी के बाद भी भारी संख्या में वहां पर मतदाता आए और इस बार उड़ीसा में भी परिवर्तन दिख रही है। वहां निश्चित रूप से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अधिकांश लोकसभा की सीट भी जीतेगी। हाँ, हम बता रहे हैं और विशेषकर उड़ीसा में कि डबल इंजन की सरकार बनने से उसका क्या लाभ होता है, तो बता रहे हैं सर। हम बोल रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में अभी डबल इंजन की सरकार है तो 3 महीने में ही हम लोग मोदी की गारंटी के बहुत सारे काम कर दिए, बता रहे हैं। और उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी डबल इंजन की सरकार बनाइए। और उड़ीसा में एक साथ दोनों चुनाव हो रहा है, लोकसभा और विधानसभा का, और हमको लगता है कि इस बार वहां भी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी।